press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रैम के बारे में। आप किस तरह से अपने रैम को मैनेज करते हो, मेंटेन करते हो या यूज करते हो, अपने रैम को किस तरह से रैम को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, या अपने मोबाइल को स्पीड कर सकते हैं। दोस्तों रैम को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मोबाइल को स्पीड अप कर सकते हैं, मतलब मोबाइल को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में कैसे बूस्ट करना है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो मैं बता दूं, आप अपने मोबाइल की रैम नहीं बढ़ा सकते, चाहे आपका मोबाइल रूट है या नहीं है। तो दोस्तों मैं रूट के बारे में बता दूं, रूट होता क्या है। रूट बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है जिसके द्वारा आप अपना जो मोबाइल है वो पूरा एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो। वो पूरा का पूरा मोबाइल आपका एक तरह से नौकर बन चुका है, आप उससे जो भी चाहे वो करवा सकते हैं। तो रूट ये काम करता है, और रूट से बहुत से प्रॉब्लम भी होते हैं, वो डिवाइस को बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है। तो मैं दिखाया तो अपने दोनों डिवाइस जो कि मेरे रूट की वजह से हार्म हो चुके हैं। तो दोस्तों ये रहा रूट करने का नतीजा, जो कि मेरा मोबाइल बैक पड़ा है, बिल्कुल बंद है, और एक मोबाइल इंटेक्स का वो आज तक दुकान में पड़ा है, रिपेयरिंग के लिए दिया था, आज तक सही हुआ मोबाइल। और दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ, रूट अपने मोबाइल को कभी मत करना, कोई भी कहे रूट मत करना। अगर आपने अपना मोबाइल रूट कर रखा है तो आप मोबाइल को अनरूट भी कर सकते हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं मोबाइल को स्पीड अप कैसे करना है, मतलब बूस्ट कैसे करना है। दोस्तों मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, जिसमें कि मैंने टिप्स दे रखा है बूस्ट अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। तो आप पूरी से पूरी वीडियो देखना। तो बूस्ट अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको अबाउट फोन पे आना है। अबाउट फोन पे आने के बाद MIUI वर्जन, अगर आपके पास वीवो का फ़ोन है तो उसमें EMUI का वर्जन होता है, Realme का फ़ोन है तो MIUI का वर्जन होता है, बहुत से अलग अलग सबके वर्जन होते हैं अपना प्राइवेट। उस पर 7 टाइप टैप करना है। टैप करने के बाद आपका डेवलपर दिखा देगा, दिखाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको और नीचे जाना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही करना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपको ड्राइंग दिख रहा होगा, ड्राइंग ऊपर ड्राइंग दिख रहा है आपको, ड्राइंग पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे विंडो स्केल है, विंडो एनिमेशन स्केल, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद इसको ऑफ ही कर देना है, ऑफ कर देना है। और ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, इसको भी मेरे ख्याल से ऑफ कर दो। और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इसको भी ऑफ ही कर दो। हाँ, अब इससे क्या होता है, आपका जो मोबाइल होता है ना वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, स्पीड हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं सिंपली पहले यूट्यूब चालू करता हूँ, आपने देखा कितना फास्टली खुल गया। एक बार आप ट्राई करके देखो, ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है, ये तुरंत ही खुल रहा है। मैं आपको दोबारा से एक बार हटाता हूँ, देखना तुरंत खुल रहा है एकदम। ये क्या करता है, अपना जो एनिमेशन आता है ना उसको बिल्कुल हटा देता है, बिल्कुल डाउन कर देता है। एक बार सेटिंग दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सेटिंग ओपन किया, तुरंत खुल गया, मतलब ये थोड़ा अपने मोबाइल को बूस्ट कर देता है। यही एक फीचर था। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना प्लीज़।